अब खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश के सभी जिलों के पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है। वहीं भाजपा के प्रदेश में हो रही बैठक में प्रदेश के अलग अलग जिलों से पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की। इसके पहले किरण देव ने कहा कि आज बीजेपी कार्यालय में संयुक्त मोर्चा की बैठक हो रही है, इसके बाद कल प्रकोष्ठों की बैठक होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बैठक में जिम्मेदारी दी जाएगी, जिस पर वो अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगी। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। नहीं, कोई नया बात तो नहीं है कांग्रेस के लिए। ये कांग्रेस हमेशा उन चीजों पर हाथ रखती है जिनके साथ फिर और अलग अलग गतिविधियों में जो संचालित होते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में हम सभी जानते हैं किस तरीके से वो जम्मू कश्मीर को और उस समय से तो इन्हीं का तो था, 370-35 वगैरह इन्होंने लगा के रखा था, जिस तरीके से कि हमारे देश के अन्य भूभाग से वहाँ कोई जाए तो परमिट लो, वहाँ जाए तो परमिशन लो, वहाँ के लोगों को अलावा कोई बाहर का आदमी वहां पर किसी काम व्यवसाय को नहीं ले सकता था। विवाहों पर प्रतिबंध था कि बाहर के लोग विवाह करें तो दुनिया भर की समस्याएं उनके साथ आती थी, प्रमाणित करना, प्रमाण पत्र को लेकर। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दृढ़ निश्चय के साथ, और भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही कहती हुई है कि कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता से ये कही है कि ये हमारे भारत का अविभाज्य हिस्सा है, अभिन्नंग है, और इसी को लेकर तो ये काम किया हुआ है। अब ये हम जो कहते थे कि कांग्रेस की मानसिकता इस तरीके से है कि जो विभाजनकारी शक्तियां उनके साथ खड़ी होती है, विघटनकारी शक्तियों के पक्ष में बात करती है, सिद्ध होता है इससे निश्चित रूप से। और कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता चुनाव में इस बात को निश्चित रूप से सबक सिखाएगी।